हेलो। हाँ भाई दोस्तों नमस्कार, राम राम सारे भाइयों को। आज वो चर्चा करते हैं, आज एक कंट्रोवर्शियल मैटर पे चर्चा करते हैं, है ना। एक हमारा बड़ा भाई है, नाम लगभग सारे लोगों ने सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई, है ना। तो आज चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे। कई बार मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं, कई जो साथ उठने बैठने वाले भाई मित्र बंधु हैं वो भी कहते हैं कि यार इस आदमी के आप इतने फैन हो, मतलब ये क्या है कि पढ़े लिखे आदमी हो, सारे समझदार हो, फिर भी क्रिमिनल के फैन हो, फलाना डिमका ये वो, है ना। तो क्रिमिनल भाई हम तो मानते नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ उसने कोई क्राइम किए होंगे, राम राम अभिश्री, अकॉर्डिंग टू लॉ उसने कोई क्राइम किए होंगे, उसकी लॉरेंस को सजा मिल रही है जो किए हैं, वो संविधान के और लॉ के अकॉर्डिंग हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रिमिनल नहीं है। जो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं वो क्रिमिनल नहीं है, जो उसको सजा सुना रहे हैं वो क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। आप बात करते हैं आज पर्सनल लॉरेंस कैसा है, जितना का मैं जानता हूं, है ना। तो 24 साल उम्र है, 24 साल की उम्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, चार स्टेट में लॉरेंस उसने करवा रखी है, तो कुछ तो बात होगी, है ना। और अखबारों में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कारण दहशत में शहर और वो लेविश लाइफस्टाइल के चक्कर में क्राइम का रास्ता ज्वाइन कर लिया। तो भैया लॉरेंस को पहली बात तो लेविश लाइफस्टाइल पैदा ही सी है उसके पास, वो कोई पैसे के लिए बदमाशी करने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। ही हैज मोर देन इनफ, जितनी उसकी जरूरतें हैं उससे 100 गुना ज्यादा है उसके पास। और प्लस बुरा क्यों कहें, मतलब मुझे तो एक भी रीजन नहीं मिलता कि लॉरेंस को बुरा कहा जाए। क्या यदि ठीक है उसने कोई 5-4 आदमियों को मारा होगा, पीटा होगा, तो जिनको मारा वो साधु हैं क्या सारे, क्योंकि साधु संत तो है नहीं कि जिनको मारा है। अब वो तो वर्चस्व की लड़ाइयां हैं। देखो बदमाश या क्रिमिनल मैं उसको मानता हूं जो वसूली के लिए फोन करके पैसे ले, पैसे लेने के लिए किसी को गोली चलाए, है ना, किसी गरीब को तंग करे, कोई लड़कियों से बदतमीजी करे, कोई बलात्कार का आरोपी हो, तो वो अपराधी हैं। ये लूट के लिए और इनके लिए जो मार रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया बात है। लॉरेंस है पॉलिटिकल प्रिजनर, वो कोई ये रोड साइड गुंडा है क्या, वो कोई सड़क पे रहने वाला गुंडा थोड़ी है कि चंपू है कोई भी उठा के ले जा, है ना। और उस आदमी की आप यदि सोच देखो ना, काम करने के तरीके अलग हैं उसके, वो है कि कोई भी शिट किसी को भी कहीं दे तो हम लोग सहन कर जाते हैं, वो नहीं करता, फर्क इतना सा है। बाकी सोच बहुत ही बढ़िया है और शहीदों का फैन होना कोई बुरी बात है क्या, भगत सिंह का फैन होना कोई बुरी बात थोड़ी है, है ना। और लोग कह रहे हैं कि उसने लड़कों को बिगाड़ दिया और ये कर दिया वो कर दिया, कौन से लड़कों को बिगाड़ दिया भाई, उसने क्या कहा, उसने कभी भी किसी भी आदमी को, एक भी आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसने, लॉरेंस ने किसी आदमी को ये कहा हो कि भाई हथियार चक उठा लो या मेरे लिए कोई कहीं जाके गोली चला दो, जरूरत नहीं है भैया उसको, ना हमारी आपकी, हमें और आपको उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, अकेला काफी है वो जहां भी है, है ना। और वो है पॉलिटिकल प्रिजनर। तो आप और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे बकवास है कि क्रिमिनल है, बदमाश है, ठीक है, क्राइम उसने किए हैं, क्राइम की उसको सजा मिल रही है, पर बदमाश नहीं कह सकते, हमारा बड़ा भाई है। और एज ए पर्सन, अब हम कोई बच्चे थोड़ी हैं यार, हमें कोई पता नहीं चलेगा कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कैसा है, और वो हमारी उम्र नहीं है कि किसी के हाथ में बंदूक देख के हम उसके झंडे उठाए फिरें, है ना, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। वो तो उम्र हमारी निकल गई, इतनी तो हमें बुद्धि है, समझ है कि हम जान सकें कि कौन सही है कौन गलत है। और जिनके साथ उसका कोई भी मसला चल रहा है या कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वो सारे पॉलिटिक्स है, आपस की वर्चस्व की लड़ाइयां हैं, उसमें बदमाशी का क्या लेना देना, बदमाशी का तो कोई सीन ही नहीं है, है ना। तो अभी आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी।